अब हमारे सामने एक बड़ा न्यू वर्ड आ रहा है, डेट वर्ड इज पैथोजन. सो व्हाट आर पैथोजन्स, देखते हैं. तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये अभी जो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सम डिजीज, और इफ यू रिमेम्बर हमने ये पहले भी पढ़ लिया था कि ये जो डिजीज होती है इट इज नॉट ओनली इन ह्यूमंस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन कॉज डिजीज टू प्लांट्स एज वेल एज टू एनिमल्स. सो ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर नोन एज पैथोजन्स. सो व्हाट आर पैथोजन्स? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन्स. नाउ ये तो हमें पता चल गया पैथोजन्स है, एंड हमारे जो डिजीज होती है डेट इज बिकॉज ऑफ दीज पैथोजन्स. ठीक है, अब जो डिजीजेस होती हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स व्हेन अ डिजीज कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन बाय सिंपल कॉन्टेक्ट. उसका अगर हमने एक उसने जो टॉवल यूज किया है उस टॉवल को उस तौलियों को भी अगर हमने यूज कर लिया तो हमें डिजीज हो जाएगी. इवन अगर हम उसके पास बैठ गए और उसको वो वाली डिजीजेस लाइक कोल्ड, तो वो हमें भी हो जाएगा. सो दीज डिजीजेस आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसे आपके जो पॉक्स होती हैं, मिजल्स होती हैं, है ना, मुंह पे आपके खूब दाने आ जाते हैं. क्यों होता है कि बस जिसको होता है उसको बिल्कुल अकेले कमरे में बंद किया जाता है. बिकॉज डेट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. क्यों? क्योंकि उसके जरा सा भी अगर उसका पार्ट हमने टच कर लिया, इवन उसका हाथ भी टच कर लिया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बॉडी को भी ट्रांसफर हो सकते हैं. सो यही कम्युनिकेबल डिजीज आ गया है कि माइक्रोबाइल डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. कैसे? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट. मैंने अभी आपको फिजिकल कॉन्टेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करा था. इवन एयर, वाटर, लाइक अभी जो हमने पॉक्स की बात कर रही थी, स्मॉल पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, मिजल्स होता है, उस बच्चे उसको अलग कर दिया जाता है, अकेले कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि एयर में भी वो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके स्प्रेड आउट होते हैं. ठीक है, एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो अगर आपसे पूछा जाए तो यू हैव टू गिव दिस डेफिनेशन कि द डिजीज डेट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. फिर थ्रू एयर, वाटर या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. और ये इसके एग्जाम्पल क्या आ गए? कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इज ऑल्सो अ बिट कम्युनिकेबल. क्या जब खांसते हैं तो खांसने से जो एयर में हमारा सलाइवा कुछ मिक्सअप होता है, डेट कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन. नाउ अब कॉमन कोल्ड ये कैसे स्प्रेड होता है? हमने कहा कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हाउ डज इट गेट स्प्रेड आउट? कभी सोचा है आपने? चलिए देखते हैं कि जो पर्सन को कोल्ड हो रहा है वो क्या होता है. इट स्नीजेस, वो छींकता है. नाउ जब वो ये करता है उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारी एयर एंड मॉइस्चर इज देयर. सो वो उसके अंदर से जो हम थोड़ा वाटर कंटेंट, जैसे आपने देखा है जब हम खांसते हैं या छींकते हैं हमारे मुंह से थोड़ा सलाइवा निकलता है, थोड़ा सा हमारा वाटर भी एक्सक्रीट आउट होता है. वो जो थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे निकलते हैं दे हैव थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस
with them. And those thousand of viruses spread in air. इससे क्या होता है, अब वो वायरस जो बॉडी के अंदर है दे आर आउट एंड देन दे आर रेडी टू अटैक एनी अदर पर्सन. सो द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाई ब्रीदिंग. तो एक कोई आपके सामने छींक रहा है एंड इफ यू आर सिटिंग ओवर देयर, सो उसने वायरस स्प्रेड करा एंड यू आर इनहेलिंग द सेम एयर बिकॉज आप उसी जगह बैठे हुए हैं, तो डेट वायरस एंटर्स इन योर बॉडी एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव अ कोल्ड. नाउ सो ये तो हमने देखा कि हाउ डज इट कैन गेट स्प्रेड आउट. नाउ हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड. अब किसी को अगर मान लो आपको कोल्ड है, जुखाम है, तो ऐसा तो नहीं है यू विल सिट एट होम, आपको बाहर निकलना है, और ना ही ऐसी कोई डिजीज है जो आप एक रूम में बंद होके बैठ जाओ. तो हाउ डज दिस कैन बी प्रिवेंटेड, और जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं क्या हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इसका एक सिंपल है, लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कफ, सो वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग. सो इससे हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन वी आर कवरिंग अवर माउथ विद एनी क्लॉथ पीस, या हम कुछ टिश्यू ले सकते, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम बस हमें अपना माउथ कवर करना है. सो वो जो माइक्रो ऑर्गनिज्म है, जो वायरस है, डेट विल नॉट कम आउट, वो उसमें उस क्लॉथ में आ जाएगा. इसलिए जो आपको पहले हमने कहा था कम्युनिकेबल डिजीज के, इट कैन बी स्प्रेड थ्रू क्लॉथ्स ऑल्सो, बट यू शुड अवॉइड यूजिंग डेट हैंकरचीफ, उसका आप रुमाल नहीं यूज करें, नहीं तो उसमें वायरस है एंड डेट वायरस अगेन कैन गेट इन. लेकिन अगर हम अपना माउथ कवर कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी आर ऑब्स्ट्रक्टिंग सम ऑफ द वायरसेस टू कम एंड मिक्स विद द एयर. नाउ एक चीज और है, लाइक ये तो हमने करा कि इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इज देयर एंड इट कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन. अब कभी कभी होता है कि हमारे एकदम हमें कोई डिजीज आ जाती है एंड हम कहते हैं ना तो हम किसी बीमार आदमी के पास गए, ना हम कहीं हमारे पास कोई ऐसा आके बैठा जिसको ये था, बट वी हैव डेड डिजीज, या हमें वो प्रॉब्लम हो गई है. अब उसका क्या है, इसका हम देखते हैं कि हाउस फ्लाई आर ऑल्सो अ कैरियर ऑफ डिजीज. सो लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट हाउस फ्लाई इज नॉट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें पूरा विजिबल होती है, लेकिन जो हाउस फ्लाई है इट ऑल्सो कैरी डिजीजेस. सो हाउ डज हाउस फ्लाई कैरी डिजीजेस, जैसे हमने वायरस का देखा तो ये क्या है, डिजीज कॉज भी करता है एंड इट्स अ कैरियर ऑल्सो. तो खाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, थोड़े से इंसेक्ट्स भी हैं, डेट आर द कैरियर. ना हाउस का कैसे हाउस फ्लाई हाउ इज द कैरियर, ये जो हाउस फ्लाई होती है इट सिट्स ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, गंदगी पर बैठती है. नाउ जहां गंदी चीज होती है वहां पे नेचुरल है, क्योंकि वो क्या है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे बिकॉज दे नीड टू ब्रेक डाउन डेट फूड कंटेंट या जो भी गार्बेज है. तो उस पर क्या होंगे, पैथोजेंस होंगे. पैथोजेंस मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल गेट स्टिक टू द बॉडी ऑफ दैट हाउस फ्लाई. नाउ अगर अब ये फ्लाई किसी अनकवर्ड फूड पर बैठती है, सो वंस डेट फ्लाई सिट्स ओवर देयर द पैथोजन अगेन विल गेट ट्रांसफर्ड ऑन डेट फूड प्रोडक्ट. अब आपने इफ यू आर ईटिंग डेट कंटेमिनेटेड फूड, आपके अंदर वो वायरस चले गए एंड यू आर सिक. That's why it is said that we should always cover our food. We should not leave the food open and we should not eat the open food. अब हम देख रहे हैं कुछ diseases के नाम रिलेट और उससे microorganisms कौन से related हैं and mode of transmission and preventive measures. So, ये जो अभी पहला जो आपके सामने ये शीट है, इसमें हम जितने भी बात कर रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आप देखेंगे इट इज बाय एयर, ठीक है.
सो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, मिसल्स वायरस डिजीज है, चिकन पॉक्स वायरस डिजीज है, पोलियो वायरस डिजीज है. और प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन और उसके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं शुड बी नॉट यूज बाय अदर्स एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट दिस डिजीज. इसके बाद हम देख रहे हैं जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वाटर है. वाटर के थ्रू कौन सी होती है, कॉलरा टाइफॉइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज है और वाटर से हो रही है. दिस मीन्स हमारा सैनिटेशन शुड बी वेरी प्रॉपर. सैनिटेशन में कोई हम मतलब मीन्स गंदी जगह वी शुड नॉट बी देयर. और जो हम जो फूड करें जो हम पानी यूज करें इट शुड बी बॉइल्ड या फिल्टर्ड. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर वाटर रिलेटेड डिजीज, मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है डेट इज हेपेटाइटिस ए. और ये वायरस के थ्रू फैलता है. और इसके लिए अगेन बिकॉज वाटर इसका ट्रांसमिशन मोड है तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर यूजिंग द वाटर, इट शुड बी बॉइल्ड. एक और डिजीज है डेट इज मलेरिया. ये कैसे होती है, प्रोटोजोआ से. कैरियर कौन है, मॉस्किटो. सो अगर हमारे एरिया में आपका मलेरिया फैल रहा है तो हमें मॉस्किटो रेपेलेंट अपना यूज करना चाहिए या हमें अपने को मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट डिफरेंट डिजीजेस और इसमें हम कैसे इन डिजीज से अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं, वी हैव लर्न टुडे. सो इन द नेक्स्ट सेशन सम मोर न्यू थिंग फ्रॉम द सेम चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट अगेन. बाय.